कबड्डी के खेल में हिंदुस्तान सबसे आगे रहा है। यस। चाहे औरत हो चाहे मर्द, हमारे देश के लोग टांग खींचने में सबसे आगे रहते हैं। और आपका तो क्या कहना उस्ताद जी, टांग क्या, आप तो टांगों के नीचे से कुर्सी खींच लेते हो। जोक सबाट, कबड्डी हमारे देश का बड़ा ही पॉपुलर गेम है, इस देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, इसलिए देश भर में खेला जाता है। और इस खेल पे एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है पंगा। आज हमारे बीच इस फिल्म की स्टार कास्ट और डायरेक्टर आने वाले हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा फिल्म की लीड एक्ट्रेस को। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड एंड वर्सटाइल एक्ट्रेस कंगना रनौत। जोरदार तालियां कंगना के लिए। कंगना बहुत स्वागत है आपका। और क्या लग रही हैं आप? थैंक यू। आप भी क्या लग रहे हैं? थैंक्स। शुरू इन्होंने यहां से किया था, खत्म यहां पे कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है कंगना आपसे मिलके, हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। आइए विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां कंगना के लिए। हमेशा आपकी फिल्में बड़ी कमाल की होती हैं। फिल्म का नाम है पंगा, आप फिल्म में हैं इसलिए पंगा है कि आपको कास्ट करने के बाद पंगा किया, मतलब दोनों का मतलब एक ही है। पंगा क्यों, मतलब इस फिल्म का नाम? पंगे की अब मुझे लगता है आदत सी हो गई है, पंगे के बिना रहा नहीं जाता। जैसे जैसे आपने इस गाने में सुना कि पंगा रिवाजों से, समाजों से, पंगा अपनी हर लिमिट से, पंगा उस हर एक कमजोरी से। सो ये वैसा पंगा नहीं है जैसे आप सोचते हैं कि बस, हाँ आपको तो ऐसा लगता है ना कि मैं फालतू के पंगे लेती रहती हूँ। नहीं, नहीं, मतलब कंगना के साथ पंगा आए तो लगता है कि अच्छा कुछ ऐसा हुआ है। पर कबड्डी के ऊपर फिल्म है और बड़ी कमाल की फिल्म है। कंगना इसमें जो कबड्डी प्लेयर का रोल निभा रही है, उससे पहले कंगना ने एक एथलीट का रोल किया था तनु वर्सेस मनु में, कमाल का था। मतलब जब हमने ट्रेलर देखा मैंने कहा ये कंगना यार, मतलब जो भी रोल करती है बा कमाल करती हैं आप। आपको पता है हमारी अर्चना जी से भी कोई पंगा नहीं लेता, ये सीधा बंदा ही गायब करती है ये। अर्चना जी बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। ये पिंक और ये सिल्वर आप पे बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू। बस आपने बोल दिया, ये अब ये पूरा साल यही पहनेंगी। उतारूंगी नहीं। पर नहीं, आज आप कसम से जो बाल किए ना, बलवान फिल्म आई थी ना सुनील शेट्टी की, सलमान वाली तेरे नाम। सीरियस, आप बहुत प्यारी लगनी अर्चना जी। नहीं, आई मीन हमारा तो चलता रहता है, घर की बात है, अभी क्या करें। कंगना, ये फिल्म में कैसे इंटरेस्ट आया आपको? अश्विनी जी ने जब आपको सुनाई थी तो क्या चीज आपको इसमें बेस्ट लगी? देखिए, इसमें सब कुछ ही वैसे तो बेस्ट है। मैंने इतनी फिल्में की है जो कि कॉन्सेप्ट ड्रिवन है, सब कुछ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो एक यंग मदर है, जो आजकल की जो मदर्स हैं और जो बेबी हो जाने के बाद उनके क्या संघर्ष रहते हैं, उनको किस तरह से फैमिली की सपोर्ट की जरूरत होती है। और मुझे लगता है जो हमेशा महिला प्रधान फिल्में होती है उनमें हमेशा लड़कों को विलन टाइप दिखाते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि जो फैमिली है उनके साथ में बहुत ज्यादा संवेदनशीलता है, उनके बारे में सोचते हैं, वो उनको प्रोत्साहित करते हैं। मेरे आसपास जो ऐसे भी लड़के हैं बहुत ज्यादा, जैसे मेरा भाई है, मेरे पिताजी हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी हैं, यू नो। तो आई थिंक ये एक बहुत ही एक फैमिली स्टोरी है, और आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कि बच्चा होने के बाद लड़की को कितने सपोर्ट की जरूरत होती है, ये उसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। बहुत ही अच्छी फिल्म। और उससे भी अच्छा मुझे ये लगा जो आपने इतने भारी भरकम शब्द बोले, संवेदनशीलता, प्रोत्साहित करते हैं और वो सब। पर एक्चुअली होता है, माँ बाप फैमिली का सपोर्ट जब हो तो वाकई आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अपने लोग सपोर्ट करते हैं फैमिली, आसपास पड़ोस? हाँ। वो लोग बड़ा तंग करते हैं, हाँ जी आपकी बेटी बच्चा हो गया कबड्डी खेल रही निक्कर पहन के, तो उसमें क्या है? पर अर्चना जी कसम से, अगर आप भी कबड्डी खेलती ना, आप वर्ल्ड चैंपियन होती। कबड्डी सांस रोकने का खेल होता है ना, सांस रोक के आप, इनकी सांस इतनी पक्की है ना, एक ही बार में नारियल पानी में स्ट्रॉ डालती हैं और पानी तो एक बार में फिनिश कर ही देती, उसकी मलाई भी खींच लेती हैं।
सारे टैलेंट होते जो तू बोलता है कि मेरे अंदर हैं, तो मैंने आपको देखा उस दिन नारियल पीते हुए, पानी खत्म, मलाई खत्म, और जूर से खींचा और नारियल ऐसे हो गया लकड़ी का। उसके बाद मैंने फूंक मारी, वो फूट गया। वो ऐसा ना किया करें आप, भीड़ में ना पिया करें, अकेली पिया करें, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने होते तो उड़ के किसी को लग जाता तो। वो तो बड़े अजीब अजीब काम करती है। आप बिलीव नहीं करेंगी, मडालैंड से आती हैं, मैं बताया था आपको ट्रैफिक कितना बॉम्बे में, तो इन्होंने दो छोटे मगरमच्छ अडॉप्ट किए हैं। आप शूटिंग में नहीं लाती, वारंटी में होंगे। तो वो क्या करती, दो मगरमच्छ हैं, मैंने पहले बताया था ये अजय देवगन है हमारी, दो मगरमच्छ पानी में छोड़ के ना ऐसे आती हैं मडालैंड से। अच्छा उनके बाद गलत बात है, आप क्या कहने जा रहे हैं इनकी? आगे तो सुनो, ये भी नहीं है कि मगरमच्छ आगे किनारे पे छोड़ दिया, उनको उठा के ऐसे धो के निचोड़। अरे तो निचोड़ के पर्स में रख लेती हैं। अच्छा एक दिन इनका एक दोस्त बोट में जा रहा था, तो वो बोट तेज थी, मोटर बोट थी, अब ये थी मगरमच्छ पे। उसने कहा अर्चना जी मैं आपसे पहले पहुंचूंगा, इनको गुस्सा आया, इन्होंने पानी में हाथ डाला, दो और निकाले। कहती अच्छा ये लो फिर। I love you, man. आपको एथलेटिक्स छोड़नी नहीं चाहिए थी, कहने का मतलब ये है। कपिल, कपिल तेरा एक रीजन नहीं है इस मंच पर और टॉप पर होने का, तेरे ऐसे हजारों रीजन है। This guy, इसकी imagination, sense of humor. Oh, शुक्रिया मैम. Mind blowing. Thank you, ma'am. Love you. बस ऐसे ही एक दूसरे को सपोर्ट कर घर चलता रहता है। अच्छा पंगा के पोस्टर पे आप देखो, उस पर लिखा हुआ है जो सपने देखते हैं वो पंगा लेते हैं। तो हम क्या समझें कि आप बहुत सपने लेती हैं? देखिए सपने देखना तो आई थिंक हर एक सपने देखता है, अब आपके जैसे सपने तो नहीं हम देख सकते जिस तरह के सपने आप देखते हैं, मगर छोटे मोटे हम भी देख लेते हैं, ऐसे मगरमच्छ लेके जा रहे हैं सपने। मतलब अभी इतने क्रिएटिव नहीं है, बट छोटे मोटे सपने, कबड्डी खेल ली है, कुछ बनना है जिंदगी, वो वैसे से कर लेते हैं। बहुत अच्छे सपने, और भगवान आपके सारे सपने पूरे करे। अच्छा कंगना जब पिछली बार आई थी जजमेंटल के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ी हिली हुई हूँ, एकता कपूर भी थोड़ी हिली हुई है, मैं भी थोड़ा हिला हुआ हूँ। तो हिले हुए लोगों को लोग शादी करने से डरते हैं। हाँ। मेरे को तो एक रिश्ता आया, मैंने हाँ कर दी। पर मैं सोचता हूँ कंगना आप इतनी सक्सेसफुल हैं, आपको तो बहुत रिश्ते आते होंगे। आपको हमेशा मेरी शादी में बड़ा इंटरेस्ट है। मैं सच बताऊँ, मेरे को अर्चना जी ने कहा था, कहती अगर कंगना को रिश्ता कराना तो मेरे थ्रू कराना, 5100 और अंगूठी लेनी मेरे को। अच्छा पंगा सिर्फ कंगना ने, पंगा फिल्म पंगा ही नहीं है, कंगना ने एक बार पंगा और लिया था रिवॉल्वर रानी के टाइम पे। हमने सुना है कि कंगना का ये कहना था कि फिल्म को जाके रियल चंबल में जाके शूट किया जाए, करेक्टर को जो है और थोड़ी सपोर्ट मिलेगी और मजेदार होगा। उसके बाद का एक्सपीरियंस क्या था वो तो कंगना खुद ही बताएंगे। कंगना जब आप चंबल में गई शूट करने, डाकू वाकू मिले थे आपको? मैंने नहीं कहा था कि चंबल में जाना चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा? होगा। मुझे ले गए चंबल के भीड़ों में। अच्छा? और वहां पे बैठ के मेरा डायरेक्टर जब अपनी कुर्सी लगी, मॉनिटर लगा, तो मुझे कहता मैंने कहा क्या हुआ? कहता कंगना डरते हैं लोग चंबल में शूटिंग करने से, कोई एक्टर आता नहीं है, कोई डायरेक्टर शूट नहीं करता, मैं और मेरा क्रू चंबल के भीड़ों में शूट करा है। मैंने कहा रियली क्या है यहाँ पे ऐसा? तो कहता यहाँ पे अभी भी डाकू होते हैं। मैंने कहा तुम मेरे को क्यों लेके आए? कहता नहीं तुम में तो, कहता तुम में तो हिम्मत है, तभी तो तुम आई। मैंने कहा मुझे नहीं था पता, अभी मुझे लगा सबको पकड़ लिया है, जैसे पहले गैंगस्टर होते थे बॉम्बे में, माफिया होता था, लेकिन वो सब क्लीन हो गया है। मैंने कहा आपने कहा चंबल चलते हैं, तो मैंने कहा चलते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पे अभी भी पहले नहीं बताया डाकू है। मिले कोई शूटिंग पे? ऑफ कोर्स मिले हैं। या क्या बोले फिर आपको मिलके? हम लोग जा रहे थे और एक अपनी तरफ से बनाया हुआ था थोड़ा सा वो रोड चेकर सा, और वहां पे हमें रोक लिया। तो फिर मेरे डायरेक्टर उतरे, तो कहते कि हीरोइन को उतारो, उसका फोटो खिंचाना है। तो तो
हम लोगों की जो गाड़ियां थी वो काफी एक दूसरे के पीछे थी. मैं फोन पे, मैंने कहा क्या हो रहा है यार, चलो क्यों रुके हो इतनी देर से. तो मेरा डायरेक्टर भी उतरा हुआ वहां पे, कुछ ऐसे बात कर रहा था. तो मैंने कहा मेरी बात करो डायरेक्टर से, हम लोग काफी देर से उतरे हुए. तो जो मैंने शीशा नीचे किया, वो मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, कबीर, जो डायरेक्टर है. तो मुझे कहता चिंता मत करो, मैं कुछ डाकुओं से बात कर रहा हूँ. वो कुछ चंबल से एक्चुअली. अच्छा. कहता मैं कुछ डाकुओं से बात कर रहा हूँ और मैं मना लूंगा. अभी तो कह रहे हैं कि तुमको बाहर आना है, नहीं तो मुझे शूट कर देंगे. मैंने कहा सीरियसली तुम्हें शूट कर देंगे? कहता नहीं नहीं, लेकिन टेंशन मत करो, मेरे को शूट कर सकते हैं, मैं तुमको बाहर नहीं आने दूंगा. तो मैंने कहा दोनों में से एक भी सिचुएशन अच्छी नहीं है. फिर कैसे करके उनको कहा हमारे पीछे पीछे आओ. और फिर हम लोग वहाँ से होटल से वहाँ से निकल गए, ग्वालियर पहुंचे, उनसे पीछा छुड़ाया. अच्छा. फोटो ली कि नहीं ली? फोटो नहीं, उसने मेरे डायरेक्टर ने मेरे को काफी प्रोटेक्ट किया. ओह दैट्स स्वीट. तो साथियों, कंगना के साथ ढेर सारी बातें और भी करेंगे. फिलहाल वक्त है इस फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकारों को और डायरेक्टर को यहाँ पे इनवाइट करने का. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी, नीना गुप्ता जी, ऋचा चड्ढा, जस्सी गिल एंड यज्ञ भसीन. अश्विनी जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. बड़ा आपको अच्छा मुबारक हो. शुक्रिया जी. आप पापा बन गए. धन्यवाद मैम. थैंक यू. आपके घर में एक छोटी बच्ची आई है, देवी आई है. आपने हमें कुछ मुंह मीठा नहीं कराया, कुछ नहीं. आप सारे डाइटिंग पे रहते हो, मैं क्या कर रहा हूं? आपको किसने बोला हम डाइटिंग पे रहते हैं? आपको ऑफर करना चाहिए कम से कम. ये फ्रूट पड़ा है सामने, रगड़ लो इसको, सारा अपना ही है, असली वाला है. 2017 में फिल्म आई थी बरेली की बर्फी, बड़ी कमाल की फिल्म थी, आपने बनाई. और अब 2020 में आई है पंगा. 3 साल बाद मैम आप फिल्म लेके आ रही हैं. हम सब यही सोच रहे थे कि 2017 के बाद 2020 में आई. 3 साल आपको स्क्रिप्ट पे लग गए कि कंगना को कन्विंस करने में? स्क्रिप्ट लिखने में लग गया. और आजकल तो रिलीज डेट भी ऐसा होता है ना कि कब आप रिलीज करते हो फिल्म को. तो हमारी पिक्चर तो शूट करके 6 महीने हो गए थे, फिर 6 महीने बाद अब रिलीज कर रहे हैं हम. तो आपके हस्बैंड जो है नितेश तिवारी साहब, बड़े कमाल के डायरेक्टर हैं. वो कहते नहीं कि यार अभी एक फिल्म खत्म की दूसरी में लग गई, मुझे टाइम भी दिया करो, ऐसे बोलते नहीं आपको? आपको लगता है वो ऐसे बोलेंगे? इनको क्या पता? आप बताओ बोलते हैं कि नहीं. उनका उनका फेस देख के आपको लगता है वो ऐसे नहीं है? तो बड़े वो धार्मिक से लगते हैं. आई मीन, पर फिर भी अब शादी की है, टाइम तो मियां बीवी को स्पेंड करना ही होता है ना साथ में. अभी 15 साल हो गया शादी के. अच्छा. उसके बाद मतलब जरूरी नहीं होता टाइम स्पेंड करें या नहीं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरी को 1 ही साल हुआ ना अभी, तो मैं उस हिसाब से आइडिया लगा रहा हूँ. मैम एक बात बताइए, पंगा फिल्म के लिए कंगना ही दिमाग में क्यों आई? मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स जो कैरेक्टर्स में घुस जाते हैं जी, तो वो एक डायरेक्टर के लिए सबसे अच्छी चीज होती है. और कंगना इज एन अमेजिंग एक्टर. और जिस तरह से उसने दुनिया देखी, उसने लाइफ देखी है, वो अब जैसे रहती है जहाँ से आती है, शी काइंड ऑफ एम्बाइब्स द होल आइडिया एंड द कैरेक्टर्स. सो दैट्स व्हाट इट वाज हर. एक्चुअली जब बहुत अच्छी कास्टिंग हो जाती है, आधी जीत आपकी वहीं हो जाती है. एक्चुअली आपकी सारी कास्ट मैं देख रहा हूँ, ऋचा को मैं देखता रहता हूँ, ये भी पंगे लेने माहिर है वैसे. सोशल मीडिया पे अभी मैंने कल ही एक ट्वीट देखा, अबे चुब्बे समोसे, किसी को तो लिखा हुआ था. ऋचा किसको लिखा हुआ था आपने? चुब्बे समोसे. पहले आपने उसका प्रोफाइल जाके देखा था कि समोसे जैसे दिखता है? जी जी, मैं बिल्कुल, मैं बहुत हंसा था वो पढ़ के. हाँ, वो मैंने आपके लिए लिखा था एक्चुअली कि आप पढ़ के हंसो. नीना जी, इस फिल्म में कंगना कम बैक कर रही है 32 की उम्र में. आप चाहते तो 52 में भी कर सकती थी, मतलब फिल्म के किरदार की एज बता रहा हूँ. वैसे तो आप 32 से ज्यादा लगती नहीं अभी भी. पता है कम बैक से याद आया, एक और बंदा है नीना जी जो कम बैक करना चाहता है, लेकिन कुछ औरतें आने नहीं दे रही. हाँ तो महिला शक्ति है ना,
हाँ, yes, girl power. अब मैं रिचा आपसे एक बात पूछनी है. आपके जो फोटो शूट है, मैं आपका इंस्टाग्राम देखता रहता हूँ. अच्छा. हाँ. आप बड़े फैन है रिचा को, आप स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे. मेरी शादी की चिंता करते हो, उसको स्टॉक करते हो. मतलब क्या होता है ऐसा, तो शादीशुदा आदमी. हाँ. और मैं आपको बताऊं, ये काम सबसे ज्यादा शादीशुदा आदमी करते हैं. एक दो बार तो आपकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखने के चक्कर में मेरे घर की स्टोरी खराब हो चली. गिन्नी मुझे डांटेगी अभी. पन्नी रिचा, आपके फोटोशूट मैंने देखे हैं, बड़े ग्लैमरस होते हैं, लेकिन जब फिल्मों में आप रोल करती नगमा खातून, गैंगो वासेपुर, yes. भोली पंजाबन, आप डायरेक्टर को अपना फोटोशूट नहीं दिखाती कि ये हूँ मैं असली? नहीं, मुझे लगता है कि हमेशा वैसा रोल करना चाहिए जो आपको थोड़ा चैलेंज करे, जो आप असल में नहीं हो, वो करने में ज्यादा मजा आता है. बहुत कमाल का करती हैं जो भी आप करती हैं. थैंक्स. आप पहली बार रिचा हमारे शो पे आई हैं, आपको बधाई हो. बधाई हो नहीं, हमको पंगा हो, पंगा. पर मैंने ज्यादातर फिल्मों में आपका जो करेक्टर देखे हैं, बड़े ही डेयरिंग, जैसे भोली पंजाबल कह लें, फुकरे सीरीज या गैंग्स ऑफ वासेपुर. इस फिल्म में कैसा लग रहा है आपको बिना गालियों वाली फिल्म करके? मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ में अक्सर ऐसा होता है फोन उठाते ही, मैडम बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है, इतनी गाली आपको मजा आ जाएगा. जैसी आप ऑलरेडी पंजाब में इतने बड़े स्टार हैं, इतने कमाल के सिंगर हैं, पहली हिंदी फिल्म करी आपने, आप आना चाहते थे हमारे शो पे आना चाहते थे? और आप बुला नहीं रहे थे, बहुत टाइम से वेट कर रहा था मैं आपकी. आपने कभी याद नहीं किया, फिर मैंने सोचा हिंदी फिल्म करनी पड़ेगी कपिल पाजी के शो पे आने के लिए. वेलकम पाजी, बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. यज्ञ, कैसे बेटा आप? मैं अच्छा हूँ सर. अभी तो घी पीने के दिन है आपके. आप फिल्मों में आ गए. बेटा एक बात बताओ, जब आप कंगना के बेटे का रोल कर रहे हैं, yes. आपको ज्यादा खुशी थी कि आपके पापा को? वैसे तो दोनों को ही थी. अच्छा. अच्छा, तो पापा को आपने जाके बताया, पापा मुझे ऐसे कंगना के साथ रोल मिला है? पापा ने पहले बात की थी. पापा ने इनको बताया. सोची समझी साजिश थी मतलब. बहुत क्यूट है बेटा आप. थैंक यू सर. इतनी छोटी छोटी उम्र में इतने कॉन्फिडेंट बच्चे कहाँ पैदा हुए बेटा आप? उत्तराखंड. मम्मी पापा भी आए हैं आपके साथ? जी, मेरे पापा हैं. कहाँ हैं? क्या हाल है सर? बड़ा अच्छा प्रोडक्ट आपने दिया है मार्केट में. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. ये पहली फिल्म आपके बच्चे की? ये हाँ जी सर, फिल्म पहली है. अच्छा जी, क्या बात है, बहुत अच्छा एक्टर आपका बच्चा. बहुत बहुत मुबारक आपको. नहीं सर, बस. थैंक यू सर, शुक्रिया आप शो में आने के लिए. कंगना, ऐसे ना हमने कहीं सुना था ऐसे कहीं इंटरव्यूज में कि जब अश्विनी आपके पास लेके आई थी स्क्रिप्ट, तो आपके पास तब डेट्स नहीं थी. है तो आप सिंगल, तो डेट्स किसको दे रखी थी आपने? नहीं, एक्चुअली मेरी पहली डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे खुद ही फोन करके, मुझे मिलना है, नरेशन करनी है तुम्हारे साथ. मैंने कहा अश्विनी अय्यर लिखा हुआ है, सच में वो है कि नहीं? हाँ. तो मैंने सबसे पहले नंबर कंफर्म किया. यूजुअली डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अपने मैनेजर को बोलते हैं, उनका मैनेजर आपके मैनेजर से बात करता है, ये मैडम डायरेक्टली हम कब मिले, चलो मिलो. तो फिर मुझे अच्छा लगा, ये मेरे लिए पहली मीटिंग में एक मेडल लेके आई थी. अच्छा. तो उन्होंने मुझे वो मेडल पहना दिया. मैंने कहा मैंने क्या किया है? कहते अभी कबड्डी खेलोगी ना तुम. वो मुझे बहुत ही एक अपने आप में एक अलग अनुभव रहा कि कोई आया और आपको मेडल पहना दिया. मैंने कहा चलो ठीक है, फिर खेलते हैं कबड्डी. सो जैसे मैंने कहा डेटे नहीं भी थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरह से इन्होंने नरेशन दिया, मुझे तो लगता है इनकी खुद की बायोपिक है ये. पर कितना अच्छी बात है कि आप इतना इन्वॉल्व हैं अपनी फिल्म में कि हर एक चीज को खुद जो है वो मॉनिटर करती हैं. शायद यही कारण है कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं. अच्छा, जैसे इन्होंने ये राज बताया ना कि एक ही मीटिंग में सामने वाले का दिल जीत लेती हैं, नितेश सर से एक ही मीटिंग हुई थी. दूसरी मीटिंग का मौका ही दिया ही नहीं. वाह. पर लेकिन लेडीज जो मदरहुड के बाद और शादी के बाद जो काम करना चाहती हैं विदाउट फैमिली सपोर्ट, भाई, पिता, माँ, इसके बगैर हम लोग वापस काम पर नहीं आ सकते. Yes, that is the film. जो भी वर्किंग वुमेन आप देख रहे हैं, they all here because of the family support. Absolutely. जैसे ट्रेलर में जो कंगना आपको सोते सोते लात मार रही हैं, जी एक कोई भी काम करती हैं दिल से करती हैं, और आई एम श्योर लात भी दिल से ही मारी होगी. दिल और जान से. जान से, पूरा जान से. तो एक टेक में ओके हो गया था वो? के नहीं. उसके बाद आप सिकाई भी कर रहे हैं, तरफ ज्यादा लग जाए ना तो एक साइड बड़ी हो जाती कभी कभी. आई मीन नो. कंगना की ना एक दो फिल्मों में मैंने देखा है एक रोमांटिक सीन जरूर होता है, या एक आध किसिंग सीन भी, मतलब ऐसे
कुछ भी अरे था एक दो फिल्म में जैसे क्या इस कौन सी उन्होंने रखी है मेरी सी फिल्म में था एक तो आपके हिस्से में कुछ आया कि खाली लाती पड़ी है पापा जी जो आप इतना क्यूट लग रहे हो ना ऐसे पूरे पत्नी व्रता पति जो लग रहे हैं आप बड़ा कमाल का किरदार निभाया मैंने मतलब मैं बड़ा खुश हुआ जब आपको देखा नहीं मैं भी बहुत खुश हुआ देख के ये चीज क्योंकि मुझे एक कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं अभी ये कि हाँ सब चाहते हैं कि पति हो तो ऐसा हाँ। तो मैं घर पे बोल सकता हूँ ना जाके अभी भी देखो ना सब बोल रहे हैं तो आपको मिला है तो खुश हो इस चीज से अच्छा बहुत अच्छी बात है अच्छा इस फिल्म में जैसे ट्रेलर में देखा कि कंगना उनको सोते सोते लात मारती बड़ी बार ऐसा होता है कि हमें बड़ी सारी ऐसी आदतें होती हैं सोते सोते कोई ज्यादा ऊंची खराटे लेता है या कोई बोलता है आपका कोई ऐसा किस्सा है जो आप शेयर करना चाहते हैं आपकी प्रॉब्लम हो या आपके पार्टनर की हो या किसी की भी हो आप शेयर कर सकते हैं अपने फनी किस्से जी मैडम हाय एवरीवन हेलो मेरा नाम राखी है मैं पटना से आई हूँ बहुत बहुत स्वागत है राखी जी आपका थैंक यू सर मेरे हस्बैंड है हाँ जी हम लोग जब सोने जाते हैं तो ये राइट साइड होते हैं और मैं लेफ्ट साइड होती हूँ अच्छा जी थोड़ी देर बाद जब मुझे नींद आ जाती है तो मैं इनको धक्के दे दे के लेफ्ट साइड कर देती हूँ और खुद राइट साइड हो जाती हूँ धक्के दे के तो नहीं हो सकता ये और कैसे पॉसिबल है वो तो ऐसे कूद के जाना पड़ेगा धक्के दे के नहीं हो सकता ये ऐसे हो सकता है नहीं हो सकता ना 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 ऐसे नहीं हो सकता ये ऐसे होना पड़ेगा हाँ ऐसे जाना पड़ेगा ऊपर से जाना या तो आपकी करवट इतनी डबल एक्सेल है कि आप ऐसे जाती हैं तो भाई साहब को पता नहीं चलता कि साइड बदल चुकी है बिल्कुल इनको पता चलता है मैं बेड से उतरती हूँ और इनको धक्के देती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद मैं वापस से इनको लेफ्ट साइड से धक्के दे दे के राइट साइड में करती हूँ और फिर मैं लेफ्ट साइड में जाती हूँ और ये सिलसिला पूरी रात चलता रहता है सोते तो नहीं होंगे तो बस साइड ही बदलते रहते हैं और कुछ होती हैं ऐसी छोटी छोटी चीजें कितने साल हो गए मैम आपकी शादी को एक साल हुए एक साल ही ऑल द बेस्ट सर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब हेलो कपिल सर हाय 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 माय नेम इज सुधीर आई स्टेट थाने एंड शी इज माय वाइफ ममता एंड माई इंसिडेंट इज मेरी वाइफ को नींद में बात करने की आदत है अच्छा जी विच इज नॉर्मल बट मेरी किसके साथ करती है नींद में बात मेरे साथ ही करती है अच्छा जी मेरी वाइफ का ये केस है कि वो एलियन लैंग्वेज में बात करती है जैसे वो क्या बात करती है मुझे कुछ समझ में नहीं आता अच्छा। ना हिंदी ना मेरा होम लैंग्वेज ना कुछ भी ना अगले दिन पूछता तो उसको याद भी नहीं रहता तो मतलब नींद में भी यही बोलती है हाँ नींद में वही बोलती है और मुझे डरा भी देती है तो आपको कोई टाइम स्लॉट मिला है बोलने का मैं बोलता तो उसे समझ में नहीं आता और हमारी शादी को तो 10 साल हो गए अभी अच्छा, तो अच्छा वाह लगता हाँ, नहीं ऐसे लगता जैसे 11 ही हुए हैं तो सुधीर बच्चे कितने आपके बच्चे दो है ट्विन डॉटर्स है चलो कभी तो चुप हुई थी ना ये सोते हुए 5 साल हो गए उनको अच्छा तो फर्स्ट 5 इयर्स मैं इसके सपने से परेशान था अच्छा स्टार्टिंग में तो डर लगता था बाद में आदत हो गई थी लेकिन कोइंसिडेंस ये है कि जैसे बच्चे हो गए मुझको ट्विन डॉटर्स जी उनका नाम है एंजल परी पेट नेम है अच्छा जी और उसमें से जो परी है उसको थोड़ा बहुत आदत कंटिन्यू हो गया वाइफ का आदत लग गया उसको अच्छा हाँ लेकिन उसको सपने में बोलने की आदत नहीं है लेकिन उसको ये आदत है कि जब भी हम दोनों साथ में रहते हैं तो बीच में आके घुस जाएगी अच्छा हाँ वैसे दिन में होता ही है लेकिन रात में ऐसा हो गया कि उसको सिक्स सेंस जैसा हो गया उसको समझ में आ जाता है कि कब उसके मॉम डैड साथ में बैठे साथ में सो रहे जैसे वो देख जाती है तो उठ के आज के बीच में सो जाती है सो स्वीट मैडम अब नहीं आप बोलती हैं अभी नींद में नहीं मेरी बेटी अभी बोल रही है ना तो मैंने बंद कर दिया बोलना अच्छा जी चलिए बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मिलके शुक्रिया थैंक यू और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना जी भाई साहब हेलो सर मेरा नाम करण है करण बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेरा आपने देखो कि अब मेरी नोज पे एक थोड़ा सा स्वेलिंग है मैं खराटे मारता हूँ अब दिक्कत ये है कि मैं और मेरी वाइफ जब भी रात को सोते हैं और उसकी आदत है कि मैं उसको हक करके सोऊं तो वो मेरे लेफ्ट में सोती हैं अच्छा और जब भी मैं उनको हक करता हूँ हाँ। तो ये शेप ऐसी है कि तभी खराटे शुरू हो जाते हैं और दिक्कत ये है कि अब मैं सीधा सोता हूँ एंड वो मुझे हक करती हैं तो भी खराटे शुरू हो जाते हैं तो जब तक मैं उनसे उल्टा नहीं सोऊंगा राइट हैंड साइड में तब तक वो खराटे बंद नहीं होंगे अच्छा अब दिक्कत ये है कि हक करता हूँ
तो भी डांट खाता हूँ कि भाई खराटे मार रहे हो। अच्छा। अब हक नहीं करता हूँ, सोने देता हूँ, वो भी दिक्कत है। हक कर लेता हूँ तो खराटे आ जाते हैं। करूँ तो करूँ क्या? पर फिर भी मतलब हगना जरूरी है। आप, I mean, हक करना। देखिए ये टेक्निकल प्रॉब्लम है काफी। फिर निकालिए इसका हल, आपके पास होगा आई एम श्योर। नहीं बस यही ढूंढ रहा हूँ। कितने साल कितने हुए आपकी शादी को? जी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए और पहले दिन से ही ऐसे हैं ये कराटे वाले? फर्स्ट डे से ऐसे। एक्सचेंज कराने की कोशिश की आपने? अब चल, लेकिन बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। कपल, यू लुक सो गुड टुगेदर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Hi. Hello. Hi. Hello. Hello. Hi. 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 कैसे आप लोग? ठीक है, आप लोग की पिक्चर का प्रोमो देखिए, भौकाल मचा रखे, एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत वेरी नाइस। आई एम बिग फ्रेंड, वेरी नाइस। पंगा फिल्म नो, आप तो पिछले 5 साल से पंगा कर रही है ना? 5 साल से 3 महीने में की है फिल्म? नहीं नहीं, मैं फिल्म की बात नहीं कर रही है। मैं ये मजाक के लिए नहीं बोलती है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम लेडीज लोग हैं जो खुल के बात करती है। कंगना जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं आपके इतनी फैन, मैं आपके जैसा बनना चाहती है। मैं बहुत मेहनत बहुत करती है लेकिन मेरे बाल कर्ली नहीं होते। वो 6 महीने के आपके साथ रही, देखो सेम आपके जैसे बाल हो गए। मेरे हाय हाय, यू वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मेरे को बहुत भूख लगे, मैं मिर्ची देंगे क्या? मिर्ची? आप मिर्ची खाते हैं जो भूख लगती है? हाँ। मिर्ची क्यों दे? ये मीडिया को मसाला दे सकती है, मेरे को मिर्ची नहीं दे सकती है। खैर, आज कितना अच्छा लग रहा है ना अर्चना जी, सब लेडीज लोग सब बैठे ले। अश्विनी जी लेडीज है, रिचा मैम लेडीज है, नीना जी लेडीज है, कंगना जी लेडीज है, मतलब सब लेडीज लोग के बीच में जस्सी गिल भी मेरे को जसप्रीत कौर लग रही है। जस्सी कैसे हो तुसी? बहुत बढ़िया। सोफे पर बैठोगे के लेकर आऊं कुर्सी? सॉरी, हम लोग का थोड़ा वर्ड प्ले रहता है। आप लोग के 3-4 महीने में पिक्चर बनते हैं ना, हम लोग को तो रोज बनाना पड़ता है, बहुत माथा फेरी। अच्छा, आपने मैम जस्सी गिल के साथ काम किया है जी। तो मेरे को पूछने का था कि ये दिल से ज्यादा अच्छे है कि गिल से ज्यादा अच्छे? नहीं मतलब मेरी बात अपने गिल पे मत लेना, सॉरी। नहीं, ये बहुत दिल से बहुत अच्छे इंसान है। गिल तो इनका सरनेम है, आप क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? दिल तो इधर रहता है, तो गिल किधर रहता है? किधर रहता है? नहीं, इनके लिए जोरदार ताली, बहुत अच्छा, मैं फैन हूं आपकी। नीना जी कैसे आप? बिल्कुल ठीक। आपका बधाइयों में मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बधाइयों में आपके पति आपको कविता सुनाते हैं तो आपके घर बधाई होती है। मेरा जो छावा है ना मुकेश, उसने मेरे को कविता सुनाई तो बहुत पिटाई हुई। क्यों? क्यों? अरे कोई टपक गया था किसी के चौथे पे खड़े होकर, कौन रोमांटिक कविता सुनाता है? ना प्रॉब्लम रहता है। खैर, अभी ये तो मेरा फालतू का बात था। अभी आप लोग फिल्म प्रमोशन पे इम्पोर्टेंट रहते हैं तो मेरे को पूछने का था मैम, ये सिद्धू जी कब आएंगे? ए, सपना, वो पंगा के लिए आए, उसकी बात करना। आते पंगे की तो बात है। ये वही पंगा है जो अर्चना जी ने सिद्धू जी के साथ लिया था। खैर, अश्विनी जी कैसे आप? अच्छी। मेरे को पक्का मालूम था आप तो एक दिन पंगा करेंगे। तुझे कैसे पता था? जिनके पति ने छिछोरे किए उनकी वाइफ पंगा नहीं करेगी क्या?
अच्छा मैम आई 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 वांट टू क्यों बोलती इंग्लिश तेरी नहीं निकलती तो एक क्वेश्चन था मैम मेरा आपसे हाँ आपने कबड्डी के ऊपर पिक्चर बनाई है और नीतीश जी ने दंगल पे पिक्चर बनाया था तो ये जो इस तरीके के आप सब्जेक्ट चुनते तो आप लोग हनीमून मनाने के लिए हिल स्टेशन पे गए थे ओलंपिक में और कैसे रिचा मैं बढ़िया आपके पिक्चर मेरे को फुकरे बहुत अच्छा लगा थैंक यू मेरा छावा है नाला सोपारा में तो उसके साथ हम पिक्चर बना रहे थुकरे थुकरे अच्छा वो पान खाते रहते ना उसको उसको सब नाला सोपारा में थुकरे 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 ऐसा करके बोल यू बाबा आप पटना में पैदा हुए थे ना नहीं अमृतसर अमृतसर में यस ओ गलत इन्फॉर्मेशन अच्छा तुम पटना वाला जोक कर लो ठीक है नहीं नहीं आप किधर के भी हो मैंने आपके लिए एक भोजपुरी पिक्चर लिखे ला चल डन हाँ भैया करे डाउट पत्नी करे पाउट ऐसा करके मैं आपको बात में सुनाई तो तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है आई हैव मसाज पार्लर मैम हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहते हैं तो आपके लिए हमारे पास फुकरे मसाज है थैंक यू इसमें क्या होता है इसमें क्या करते हैं हम कस्टमर को लिटाते उस पर गरम गरम तेल डालते उसको चटका लगता है बोलते ये क्या है हम बोलते फुकरे 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 ऐसा करते ये क्या मसाज हुआ तू चुप रे मैम आपने एक मस्त पिक्चर बनाया था नील बटा सन्नाटा वो मसाज है हम लोग के पास इसमें क्या करते हैं हम कस्टमर को तेल लगाते फिर फिर नील नितिन मुकेश में से नील को बुलाते फिर नील का सन आता है नील का सन आता है और फिर बट्टा लगा के मसाज करता है ऐसे नील बट्टा सन्नाटा ऐसा रहते हम लोग का मैं चलती हूँ मैम आई हैव टू गो लास्ट एपिसोड में वो कोरियोग्राफर है रेमो वो आए थे तो उनका ना डी सूझ गया है मैम वैसे ये शूट कहाँ पे हुई मैम फिल्म भोपाल में वाह और बड़ी खूबसूरत लोकेशंस है हाँ एंड रेलवेज की जो जो लोकेलिटीज है कॉलोनी है वहाँ पे हमने काफी शूट किए तो भोपाल और मध्य प्रदेश टूरिज्म ने हमको बहुत हेल्प किया इस चीज में थैंक यू मध्य प्रदेश थैंक यू भोपाल शुक्रिया जैसे इस फिल्म में कंगना अपने सपनों को साकार करने के लिए दोबारा से जीने के लिए पंगे ले रही है मैं आप सबसे ही मेरा सवाल है आपने लाइफ में कभी पंगा लिया है यहीं से शुरू करते हैं मैम मैंने तो बहुत पंगे लिए लाइफ में और शुरुआत ही मेरी घर पे ही हो गई थी मैं 15-16 साल की थी तो मैंने अपने पिताजी को कहा था कि मुझे अभी ये कुछ नहीं जम रहा जो आप लोग मेरे से करा रहे हो स्कूल में ये सब आई वॉन्ट टू गो आउट एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर वट आर माई ऑप्शंस तो उन्होंने मुझे क्या ऑप्शन तुम्हें अगर मान लो तुम ईयर ड्रॉप आउट करती हो तो तुम क्या करोगी मुझे वो बताओ मैंने कहा मुझे नहीं पता तो कहते मेरे पास तुम्हारे लिए फिर कोई ना पैसे है ना मेरे तुम घर में रह सकती हो बिकॉज यू हैव टू आई से ठीक है तो ठीक है फिर कहाँ जाओगे तुम मैंने कहा मैं कहीं भी चली जाऊंगी फिर मुंबई आ गई आप फिर मैं आई वेंट टू दिल्ली ओके पर एक्चुअली कुछ ना कुछ तो पंगा तो लेना ही पड़ता है अगर आपको जी, जी, जी. निकलना है अपने कंफर्ट जोन से और आपको बहुत मुबारक कपिल ऐसे क्या चीज है जो तू करना चाहता है या करना चाहता था जो नहीं हुआ मैं फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ एक और तो उसके बाद कर सकते हैं वो तो आप पंगा लेना चाहिए आपको मैं प्रोड्यूसर बन गया था पंगा लिया था मैंने मेरा सारा अकाउंट खाली हो गया अब मैंने चेंज कर लिया अब मैं डायरेक्ट करूंगा किसी और के पैसे लगवाऊंगा अपने नहीं नीना जी आपने कभी पंगा लिया लाइफ में अरे सबसे बड़ा तो मैंने ही लिया मैं तो कमबैक 60 की उम्र में किया और क्या पंगा लूंगी दैट वाज फैंटास्टिक नीना पर आपने कितने साल बीच में काम नहीं किया नीना जी 10 साल पर क्या कमबैक किया है वाह थैंक यू रिचा आपने पंगे लिए लाइफ में मतलब आज कौन सा लिया नहीं डेली बेसिस पे होता है आई थिंक एक कहना गलत नहीं होगा जो भी आउटसाइडर्स फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं वो एक लेवल पे पंगा तो ले ही रहे होते हैं क्योंकि आप कुछ भी कह लो
अब बाहर दिल्ली से बॉम्बे आना मिडिल क्लास लड़की के लिए, दो और लड़कियों के साथ फ्लैट शेयर करना, रिक्शे में जा जाके ऑडिशन देना, लाइनों में खड़े होना, रिजेक्ट होना, स्क्रिप्ट पे काम करना, नाटक करना, इधर जाना उधर जाना, इससे बड़ा पंगा क्या होगा? पर वो पंगे लिए हैं तो उसका फल भी कितना अच्छा मिला। आज आप कमाल की एक्ट्रेस हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। और मैं आपके शो पे आई। थैंक यू। जैसी भाई आपने पंगे लिए लाइफ में? पंगे ले लेके ही मैं पहुंचे यहाँ तक। हमेशा से मुझे ये था कि मैं एल्बम तब करूंगा, गाने का शौक था कि तब करूंगा जब जाके खुद अपने पैसे थोड़े बहुत पास में होंगे, क्योंकि इससे पहले मैं अपने पापा के पैसे खराब कर चुका था। तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। अच्छा जी। तो वहां जाके फिर मैंने कार वॉश किया 3 महीने, तो जो कार वॉश करके जो पैसे बन के आए उससे एल्बम की, और वो ही आज तक घूम रहा है मुझे लगता है। सो प्राउड ऑफ यू भाई। अश्विनी आपने पंगे लिए? मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मेरे मम्मी स्कूल की प्रिंसिपल थी, पापा पीएचडी बॉटनी के थे। मैं साउथ इंडियन फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और एक्चुअली ऐसा होता था कि सीए करना चाहिए और जो होता है ना पढ़ाई और वो सब चीज़ें। और फिर एक दिन मैंने अक्टूबर 2 में, आज भी याद है, मैंने बोला कि मैं पेंटर बनना चाहती हूँ। अच्छा। और मेरी माँ बेचारी ऐसे, उसको स्ट्रेस हो गया बहुत बोल के कि पेंटर कौन बनता है, हम तो बिजनेस वाले नहीं है, हम पैसे तुम्हारी पेंटिंग्स बेचेंगे। और पर मैंने बोला था कि नहीं, मैं मुझे आर्ट स्कूल जाना है, ड्राइंग पेंटिंग करना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है। अच्छा। और कोई आइडिया नहीं था बॉलीवुड का, कोई आइडिया नहीं था कि क्या करूँगी, बस अच्छा। इतना पता था कि मुझे स्टोरीज बोलना है। और आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड बिकॉज आई वाज हेल्पिंग माय फैमिली आल्सो। और आज मैं यहाँ पे हूँ आपके शो में। अच्छा, फिल्म कबड्डी के ऊपर है, कभी आपने बोला एक सांस में से कबड्डी 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 नहीं बोला? खेला ही नहीं। खेल के देखें। देखते हैं कौन देर तक ऐसे सांस रोक के रखता है और कबड्डी कबड्डी बोलना है। ठीक है, स्टार्ट कौन बोलेगा? आप लोग बोलोगे? आप लोग बोलो 1 2 3 स्टार्ट बोलना, हम लोग कबड्डी कबड्डी शुरू कर देंगे। ठीक है, आप फर्स्ट रहो, आप बोलिए। हाँ, नहीं, ये तो सबने नोटिस किया कि मैंने सबसे पहले छोड़ा है सांस, बाकी के तो किसी ने नोटिस नहीं किया सेकंड थर्ड कौन आया। नहीं, यही होता है ना, फर्स्ट आई है। एक बार जो हार गया उसके बाद सबको हो जाता है कि ठीक है अभी हार गया है तो अभी हम सेफ हैं। तो बैठे बैठे बोल रहे हैं हम लोग, वहां पे तो और भी भाग भाग के करना होता है ना कबड्डी कबड्डी कबड्डी। बड़ा मुश्किल है यार, मुश्किल सब्जेक्ट ही बड़ा थकाने वाला है, कबड्डी सुन के ही थक जाता है आदमी। हमारे दास दादा ना जो फोटोग्राफर कंगना सामने बैठे, दास दादा हेलो करो। हाँ हेलो। हाँ, ये भी सांस रोक के कबड्डी कबड्डी बोल लेते हैं, पता है अपने घर पे बोल रहे थे कबड्डी 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 कबड्डी, पीछे इनकी वाइफ बोल रही थी एम्बुलेंस एम्बुलेंस एम्बुलेंस। ये अच्छा, मार्केट में बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं जो भी फिल्म स्टार्स हैं उनके बारे में, है ना? तो बहुत सारी अफवाहें जो हमारे पास भी हैं आप सबके बारे में, तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं वन बाय वन। कंगना, आपके बारे में ये अफवाह कि जब आपने घर वालों को बताया कि मैं पंगा कर रही हूं तो उन्होंने कहा कि ये कौन सी नई बात है, इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अफवाह है। ऋचा, एक अफवाह आपके बारे में है कि आमिर खान जो फिल्म कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा, वो पहले आपको ऑफर हुई थी। ये बिल्कुल, एक्चुअली मैंने तभी तभी शेव किया था ना, इसलिए मुझे टर्न डाउन करनी पड़ी। जैसे आपके बारे में ये अफवाह है कि वैसे आपकी फीस फिक्स है, लेकिन कंगना का नाम सुनते ही आपने नेगोशिएबल कर दी। डबल कर दी थी। नीना जी, आपके बारे में एक अफवाह है कि आपको किसी कवि सम्मेलन में चीफ गेस्ट बनने का ऑफर आता है तो आप मना कर देती हैं, क्योंकि बधाइयों के बाद आपको कविता सुनने से डर लगता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। अश्विन, आपके बारे में ये अफवाह है कि कंगना को आपने अगली फिल्म के लिए भी साइन कर लिया है, और उस फिल्म के लिए जो है वो एक मोटी लड़की का किरदार है, इसलिए आप इनको रोज समोसा खिलाती हैं। हाँ, वैसे खाना हम दोनों को बहुत अच्छा लगता है। समोसे खाने? समोसे इनके साथ मिलने के बाद मैंने 10 किलो वेट पुट ऑन किया। अच्छा। हाँ,
क्योंकि इनको तो, फिल्म में भी रिक्वायरमेंट चाहिए थी और मेरी जो अगली फिल्म है तलाई भी उसके लिए भी मैंने पुट ऑन किया हाँ। तो अब इससे ज्यादा मेरे को फैलाएंगी तो फिर तो मैं आप ही के लायक रह जाऊंगी, आप ही की फिल्म कर पाऊंगी और कुछ भी नहीं कर पाऊंगी लाइफ में। ये समोसे का आविष्कार किसने किया होगा अर्चना जी, आपको तो पता होगा। मेरा दादा हलवाई था। हाँ एक्चुअली समोसा समोसा ही है वैसे, है ना, खा लो फायदा भी कोई नहीं। समोसा एज अ फेस, अभी तुम इतना समोसा समोसा कर भूख लग रही है। समोसे मंगवाए अश्विनी जी आपके लिए? नहीं मंगाई, बातें करेंगे। दादा समोसे लेके आओ, फटाफट जाओ और आना मत। कंगना आपके बारे में ये फायदा कि बचपन से ही आपको लाइफ में जो करना है बड़ा करना है आपने पहले से सोच रखा था, इसलिए आपको स्कूल में प्यार भी अपने से बड़े टीचर से हुआ था। ये अफवाह नहीं है, ये सच है, कल को न्यूज बनेगी। कंगना रनौत को हुआ था अपने से बड़ी उम्र के टीचर से प्यार। पर सभी को होता है ना, मुझे तो लगता है सबको अपने टीचर से प्यार हो जाता है, सबको होता है। इट्स कॉल्ड अ क्रश, हां क्रश हो जाता है एट वन पॉइंट, आई थिंक सबको होता है। तो मुझे क्यों आप ऐसे कटघरे में खड़े कर रहे हैं अकेले, क्या न्यूज़ बनेगी तुम्हारी, सबको पता चलेगा। अरे बाबा आप स्टार है ना, मेरे को खुद अपने कंप्यूटर वाले टीचर से हुआ था, मैं उसको देख के यूं यूं कर रहा, उसने मेरे कान पे मारा चल अंदर, मैं कह ये क्या तरीका हुआ किसी के। अश्विन आपके बारे में अफवाह है कि आपको ग्लास का सेट जमा करना बड़ा पसंद है, इसलिए शूटिंग से कई बार ग्लास लेके आप घर चली जाती हैं। इज इट ट्रू? एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए ना हम लोग को। तो ग्लास लेके घर चली जाती हैं आप? एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, कितना फुटप्रिंट है। वैसे आपकी फ्रूट प्लेट भी ग्लास की है, उन्होंने पहले ही इसका कैलकुलेशन कर लिया है, सब जाने वाला है। आप आपको बकायदा गिफ्ट कर सकते हैं, आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाई, आपको गिफ्ट कर सकते हैं। ओके वैसे हमारा सेट बिल्कुल एनवायरमेंटली फ्रेंडली अब हो गया है, मैं आई वांट टू टेल एवरीबॉडी। और अब हम लोग प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी नहीं, या तो हम घर से पानी लाते हैं या फिर प्रोडक्शन हमको बड़ी बॉटल से भर के हमारे स्टील की बॉटल्स में देता है। दिस काइंड सो एक चीज, कपिल शर्मा शो, सो एक चीज रियली हैप्पी फाइट करने के लिए, थैंक यू। पर अक्षर जी एक प्रॉब्लम है, जैसे आपको सबको दिया है बिकॉज आप सब शो में काम करते हैं, पर मीत जी के लिए क्यों मांग रही थी आप इनसे? आपके बारे में फायर है कि पेट्रोल पंप पे पहले उतार देते हैं आपको कि आप उतर जाइए, बिकॉज लोग आपको मिस फायर बोलते हैं। ओहो वाह, ये अफवाह नहीं है, ये सच है कपिल। बिल्कुल रिचा, मैंने कब कहा। अश्विनी जी आपके बारे में एक और अफवाह है, कहते हैं आप कंगना की शादी करवाना चाहती हैं। ये सच है, ये सबके सामने आप शादी कराना चाहती हैं और आपने तैयारी भी शुरू कर दी है। इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, सारी वारी तो मैंने, इन्होंने सब डिसाइड कर लिया है कहां पे डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, कौन सी साड़ी पहननी है, ये सब इनके मतलब लड़का ही मिल रहा है। और कितने कैसे कैसे मेरे को ऑप्शन देते हैं ये लड़कों के, मैं शौक हो जाती हूँ। कैसे कैसे ऑप्शन मैं बता नहीं सकती, कोई अच्छा लड़का है तो बता दो, ये तो खुद सामने खड़ा हो जाएगा। नहीं और दूसरा लड़का देख लो। ओके तो मैं आपको ये कार्ड्स दे रहा हूँ, इस पे एक साइड यस है और एक साइड नो है, आपको बताना है कि आपने ये चीज की है या नहीं की। अच्छा, और उसके बाद आप उसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकती हैं। एक और बचा है, मैं रख लेता हूँ। ओके तो सवाल है कि कभी खाली बैठे बैठे बोर हो रहे हो तो सोशल मीडिया पे या फोन पे किसी रैंडम आदमी से बात किया आपने? ये बीमारी सिर्फ पंजाब वालों को हो सकती है। जैसे किससे बात की है? कभी फ्री बैठे होते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज चेक कर लेते हैं, देखते हो वहां पे किसी का आया हो तो किसी को खुश कर देते हैं, तो ठीक सही है। ओके कभी पापा के बटुए से पैसे निकाले? पति के बटवे से भी निकालती हूँ रोज। आई थिंक वो तो सभी करते हैं। नहीं और हम लोग ना चेंज निकालते थे, मैं और मेरा भाई। हाँ। ऐसा लगता था चेंज निकालने में कोई पाप नहीं है, मतलब छोटे खुले नोट होते हैं। बेचारा वो रोज जाता है एटीएम निकालने के लिए पैसे, फिर अगले दिन सुबह मैं कुछ निकाल लेती थी। पर देखा इसने क्या शिक्षा मिलती है हमें इससे कि हम लोग पैसे निकाल भी सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि पति का हाथ ही मरोड़ा जाए। अच्छा कभी मुंह ढक के शॉपिंग करने गए? मैं तो बिना मुंह ढक के चला जाता हूँ। अच्छा मुंह ढक के शॉपिंग करने गए कहाँ पे कंगना?
मैं लखनऊ में, बनारस में, मुझे ऐसे छोटे छोटे मार्केट्स अच्छी लगती है, रोड साइड चीजें बड़ा मजा आता है खरीदने में। ये तो अभी दिल्ली में शी वेंट एंड हैड पानीपुरी पूरा, अभी जब शूट कर रहे थे। पानी पूरी पता नहीं फाइव स्टार होटल के नहीं मजा आता, उंगली डुबो के देते ना कि ये लो आपका। किसको बोला था कि आपके लिए लेके आए? बोला नहीं नहीं मैं जाऊंगी। अब उसका टेस्ट ही अलग होता, आप कितना लेंगी? पांच लो। बिना ब्रश किए कभी ब्रेकफास्ट किया है? ऑलवेज। नीना जी ने कभी किया? नीना जी करके देखो, बड़ा टेस्टी होता है। हम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप ब्रश करके ही करें। क्यों, क्या हो जाएगा? अपने मुंह से इतनी क्या डरना? ओके। अब कभी कच्चा प्याज खाने के बाद रोमांटिक सीन किया है? मेरे को तो कभी मौका ही नहीं मिला। अगर कोस्टार ने किया हो तो वो भी बता सकती हैं आप। और मैं समझ भी गया किसने किया था। हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। अभी मैं क्यों बताऊं? वो खुद नहीं बता रही ऋचा। ओके। बिल्ली के रास्ता काटने के बाद रास्ता बदला है? पर ये क्यों बदलते लोग? मैंने तो सुना था, तो मैंने फॉलो कर लिया। आपने कभी नहीं बदला? अरे मेरे घर में दो बिल्लियां हैं, जुगनी और कमली, वो पूरे दिन रास्ता काटती है। जुगनी और कमली मेरी बिल्लियों का नाम है। अच्छा, जुगनी चड्डा एंड कमली चड्डा। पर वैसे क्या रीजन होता होगा? इतनी प्यारी सी होती बिल्ली। हमारे डायरेक्टर साहब के पास भी तो है बिल्लियां। खुद को साफ, अपना ध्यान खुद ही रखती रहती हैं, खुद ही साफ करती रहती हैं। हाँ। बड़ी थोड़ी होती हैं, थोड़ी हीरोइन टाइप रहती हैं। कभी फ्रिज के दरवाजे को धीरे से बंद होते हुए देखा कि लाइट कब बंद होती है? आपने क्या देखा? कहाँ से बंद होती है? इसने पहली बार सेंसर वाली टूटी देखी थी होटल में ना, उसके बाद कहीं और गया, वो सेंसर वाली थी भी नहीं, उसकी शेप ऐसी थी लगता था सेंसर वाली लेकिन खोलनी होती थी, और ये यूं यूं कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसे ऐसे कर रहे, यूं यूं किया, पूरी बाजू मुंह डाल दिया, पानी आए ना। हाँ, मेरे साथ गया ना अभी दुबई, तो वहां पे था, तो यू यू कर रहा है। ओके। तो हमारे यस और नो का सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद ऑनेस्टी से, ईमानदारी से पार्टिसिपेट करने के लिए। तो साथियों, कंगना ने पंगा फिल्म की है, ये तो पंगा लिया ही आप सबने, लेकिन आज एक और पंगा हम भी लेने जा रहे हैं। एक टॉप की अदालत लगेगी यहाँ पे, जिसमें आपके ऊपर कुछ इल्जाम लगेंगे, तो आपको सफाई देनी है। आप लोग रेडी हैं? बिल्कुल। ओके, फटाफट लेके आइए। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर! आज कटघरे में है बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत, जिनका पंगों से बहुत पुराना वास्ता है, और अब फिल्म कर रही है पंगा, और सामने है हमारी जूरी। इस अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। कंगना जी का वकील हाजिर हो। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? नहीं, कौन बोल रहा है आपका? मेरे को पता है गुप्ता जी बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं कौन बोल रहा हूं बताओ? या अच्छा, मैं राजेश अरोड़ा बोल रहा हूं। है, मैं भूल जाता है कभी कभी नाम। शट अप। या अरोड़ा जी, यस, केस की कार्यवाही शुरू कीजिए। देखो, ये ओपन एंड शट केस है माय लॉर्ड। मुझे आपका मुंह पसंद नहीं आया। मुझे कसम से, मुझे आपका मुंह पसंद नहीं आया, जैसे चिकू ट्रक के नीचे आ गया। पांच रुपए की कंघी लेके पहले तो बाल सीधे करो। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, मैंने जो आते इनको देखा और इनको 30 सेकंड इग्नोर किया। आई एम डीपली सॉरी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय व्हाटएवर। मैं, आप मुझे घर ले जाओ, आप मैं यकीन नहीं करेंगी, मैं बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे जैसा लड़का हूँ, सिर्फ देखता हूँ, बोलूंगा कुछ नहीं। आप कोर्ट की तोहिन कर रहे हैं। मैं तो अभी नागिन डांस भी करूंगा। आई बड़ी छोटी सी।
Hello, Richa Chadda. Hello. I deeply apologize. I didn't notice you. आप इतने सामाजिक मुद्दे उठाती हैं। मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मेरी बुआ के लड़के को उठा दो। उठ ही नहीं रहा वो। वो सुबह उठता ही नहीं है, उसको प्लीज उठा दे आप। दूर से उठाना, 24 साल का है। देखिए वो मुद्दे उठाती है, बुआ के लड़कों को नहीं उठाती। मैं आपको एक मुद्दे की बात बताऊं, एक राज की बात। इसका फूफा ही नहीं है। जब बुआ नहीं है तो फूफा कहाँ से आएगा? बुआ हॉट होनी चाहिए, फूफा दरवाजे से भी आ सकता है। नीना जी, मैंने अभी हाल ही में आपकी एक फ्रॉक वाली फोटो देखी। हाँ। कसम से दिल गुप्ता गुप्ता हो गया। आपको शर्म नहीं आती? वो आपसे सीनियर हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एज इज जस्ट नंबर। नंबर। व्हाट इज योर फोन नंबर? हे भगवान, आज तो हुसन का बुफे लगा हुआ है। मैं सोनी टीवी का तहे दिल से आभारी हूँ। इसी खुशी में मैं दूसरे चैनल में काम करने के लिए अपनी घोषणा करता हूँ। राजेश अरोड़ा फॉर सेल, नो ब्रोकरेज, बाय वन एंड ओनली, यू गेट लॉस्ट। देखिए बेहतर होगा अगर आप मुकदमे की बात करें, वरना आप पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी कार्रवाई नहीं, कड़ी चावल करो। आई लाइक कड़ी चावल। ऑपोजिशन काउंसिल कहाँ है? ऑपोजिशन का वकील हाजिर हो। नमस्कार आप सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। अच्छा साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दामिनी बेगुनाह है। He's looking at the wrong चड्डा। मैं वो चड्डा नहीं हूँ। मैंने बात इन्हीं से की थी। अच्छा, ये इतने सारे आदमी एक ही गाउन पहन के क्यों आ गए? ये दामिनी का केस नहीं है। बहुत से जरा तमीज से बात कीजिए, वरना इस केस को मैं यहीं पे रफा दफा कर दूंगा। ना कोई तारीख होगी, ना सुनवाई होगी, सीधा फैसला, वो भी ताबड़तोड़। अगर सकीना के लिए मैं अपना सर झुका सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं किसी का सर काट भी सकता हूँ। ये तो अपनी लाइन में बोली जा रहा है, मेरे को बोलने दे रहा। मैं नहीं खेल रहा। ये मजदूर का हाथ नियर वाला नहीं, ये मजदूर का हाथ है खातिया। तुम मजदूर को वापस करो, तुम क्यों लेके घूम रहे हो? मजदूर का हाथ है। जज साहिबा, जैसा कि आप देख सकती हैं, मेरे काबिल दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारा मजाक उड़ा सकता हूँ, तुझे तो उड़ा नहीं सकता मैं। मैं अपने काबिल दोस्त को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूंगा। और कंगना जी, सबसे पहला इल्जाम मैं आप पे लगाना चाहूंगा। आप पे सबसे पहला इल्जाम है कि आप निहायत ही खूबसूरत हैं। इतने सारे लोग हमारे देश के आप पे मरते हैं, फिर भी आप हनीमून के लिए अकेली चली गई। क्यों चली गई? हम मर गए थे। मैं इस बात पे आप पे केस करूंगा। मिस्टर अरोड़ा, इसी बात पे केस चल रहा है। अच्छा, इसी बात पे? जी हाँ। अच्छा। और आप कंगना के वकील हैं, आपको उनकी तरफ से लड़ना है। अच्छा, लड़ना है आज? तेरी, मैं तेरे को बताऊं जरा। तेरी बनियान ना मैंने फाड़ दी तेरी। ऐसे नहीं लड़ना है, हमको बातों से लड़ना है। अच्छा, बातों से लड़ना है, तेरे को कीड़े पड़े। मैं तुम लोगों के साथ क्यों जाऊँ हनीमून पे? तुम लोगों में ऐसा क्या है? हमारा दिल करता है। देखिए तेरे, चुप, शट अप। बातों से लड़ना है जज साहब, तेरे को कीड़े पड़े, तेरे हनीमून पे पुलिस की रेड पड़ जाए। तेरे घमोरिया निकल आए। देखिए तेरे ऐसे ऐसी कुछ जगह पे घमोरिया निकले, तेरे से बैठा ना जाए। आप लड़िए, आपने कहा तो लड़ना है। कोर्ट के मर्यादा के अनुसार लड़िए। तेरे को कोर्ट की मर्यादा के अनुसार कीड़े पड़े। जज साहिबा, ऐसी बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर। मैं टॉप कोर्ट का वकील हूँ। आज तो मैं फूड कोर्ट का वकील हूँ।
तेरे समोसे में से हरी चटनी ना निकाल दी तो मेरा नाम मेरा विजिटिंग कार्ड का है, अरोड़ा LLB नहीं। ये मेरा कार्ड है, आप रख सकती हैं। तुम तो मेरे वकील हो ना? हाँ जी, और किसी को ऐसे केस वगैरह लड़ना हो तो उसको मेरा नंबर दे। तुम पहले मुझे केस जितवाओ। हाँ जी, मैं बिल्कुल जितवाता हूँ। ओए जज साहिबा, ये अगर केस पे जरा मुद्दे पे अड़े रहे तो बेहतर होगा, समझा दीजिए इन्हें। जज साहब, अगर मेरे दोस्त सही मिमिक्री करें तो बेहतर होगा, ये गोविंदा लग ही नहीं रहे। गोविंदा नहीं बनाऊ, सनी देओल बनाऊ। सनी देओल यारा हो, यारा कौन करता है, सनी देओल करता है। सनी देओल, तुम्हें किसी ने भिगो के रखा था, इतने फूल कैसे गए तुम? सनी देओल। दिस इज ओपन एंड शट केस मिलोर्ड, मैं ये कहना चाहूंगा। लानत है इस पे, कैसा वकील रखा है आपने? कैसी बातें करे जा रहे हैं मेरे काबिल दोस्त? तुम पे तो और ज्यादा लानत है, कैसा जज रखा है तुमने? मैं तो कहता हूं मिलोर्ड, इस केस को खारिज करो और मेरे खारिज हो रही, तुम मेरे खारिज करो। दैट्स ऑल मिलोर्ड। मैं क्या यहाँ पर आपकी खुजली करने आया हूँ? जी नहीं, मैं इस केस को आगे बढ़ाऊंगा। मैं अगला इल्जाम लगा रहा हूँ आप पे कंगना जी, अगला इल्जाम आप पे ये है कि अक्सर आप मीडिया से पंगा लेती हैं, तो बताइए हमें ये मीडिया से पंगा आप क्यों लेती हैं? देखिए, मीडिया मुझसे पंगा लेती है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे काबिल दोस्त? मैं जब से आया हूँ मैं काबिल दोस्त कह रहे हैं, मेरे को काबिल दोस्त पे निबंध सुनाइए। यारो यारा ठंड लग गया रा। कविता नहीं सुनानी मेरे को, निबंध सुनाओ। वकील दूसरे वकील को काबिल दोस्त ही बोलता है। तो एक वकील ये, दूसरा कौन है? अच्छा, तो मेरे को कोई बताएगा? जज साहब, दिस इज ओपन एंड शट केस, मैं कह रहा हूँ। कोई पंगा नहीं लेती मेरी कातिल नहीं, मुवक्किल। कोई पंगा नहीं लेती मेरी मुवक्किल। हाँ, और ऐसे कैसे पंगा नहीं लेती? मुझे पता है, कुछ वक्त पहले एक पार्टी हुई थी, उस पार्टी में भी कंगना जी ने पंगा लिया था। मेरी मुवक्किल पार्टी करती नहीं। अगर ऐसा है कंगना जी, तो मुझे बताइए, 2019 के 10वें महीने के 10 जून को रात को 10 बजे आप कहाँ थी? ये जो तुमने 10 जून को कहा था, ये तुमने अगर सही मिमिक्री पे मेहनत की थी, आज तुम शाहरुख खान लगते। अरे भाई, शाहरुख खान नहीं हो, मैं सनी देओल बनाऊ। सनी देओल उतार के फेंक दो वर्दी और पहन लो बलवंतराय का पट्टा अपने गले में, यू कस्टर्ड। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मेरा भी कर दो, एक चाइनीज में कुछ कर दो। मेरे चरित्र पे उंगली उठाई जा रही है। हाँ जी, अब भी कुछ नहीं कहेंगे आप? मैं इसके पेट पे हथौड़ा उठाऊंगा। मैं 10 जून को 12 जून के लिए रोटी कमा रही थी, क्या कहना चाहते हैं आप? बारह जून की रोटी कमा रही थी। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक चश्मदीद गवाह भी है, वो बताएगा, क्योंकि उस पार्टी में वो भी मौजूद था। जज साहिबा, मैं अपना इस चश्मदीद गवाह को बुलाने के लिए इजाजत चाहूंगा। चश्मदीद गवाह, मेरी इजाजत है नहीं ऐसे तेरे को। मैं एक सेकंड, ये मेरी बंदी है, ये कितनी गंदी है। जस साहिब, ये मेरी बंदी है। कंगना, हाय, तुमने मेरी जिंदगी रंगून कर दी। रंगून? मेरी बंदी है, ये मेरी बंदी है। अरे समझ गए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरा चश्मदीद गवाह। अब आप देखिए कैसे इस केस का ये रुख बदल देगा। मैं इसका मुख बदलना चाहता हूँ।
कैसा पिग्गी बैंक जैसा मुंह, मेरे को आपका गवाही नहीं पसंद आया। ये मेरा मुंह है, ये मेरा मुंह है। सारे अपना ही मुंह ले, मैं डैडी का मुंह नहीं लेके आया। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की मर्यादा को बनाए रखे कबीर सिंह। और साथ में आप भी दो दो बना के रखिए। मैंने पीने, ये मेरी बोतल है, मेरी बोतल है, ये मेरी बोतल है। ये देखिए, आप गवाह हैं, आप अदालत को बताएं कि 2019 के 10वें महीने के 10 जून की रात 10 बजे आपने क्या देखा। ये अलोकनाथ ने भी सेम सवाल पूछा था, ये सवाल आप भी पूछ रही हैं। सेम सवाल, दोनों सेम सवाल पूछ रहे हैं। कोई क्रिएटिविटी नहीं। सही कहा था अक्षय कुमार ने, लेडीज की चंकी पांडे हो तुम। सबको मैं ही दिखती हूँ, यहाँ आयोडीन की कमी वाला शाहिद कपूर नहीं दिख रहा किसी को। अच्छा, आयोडीन की कमी की बात देखो, कर कौन रहा है। मेरा वका वका वाऊं भी तुमसे कहीं बड़ा है। देखिए, अगर आपसे कबीर सिंह नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए। जिनके खुद के सनी सही नहीं होते, वे दूसरों के कबीर पर उंगली नहीं उठाते। ए चड्डा, तभी से बात कर, वरना कैसे ही मैं रफा दफा कर दूंगा, समझा। तो गंदी बात, गंदी बात। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं वकीलू के ये काले कपड़े ये भी पहन के आया। और नीचे उतरिए। अच्छा, और तू उधर हो, ये मेरी बंदी, मेरी बंदी, तेरी दाढ़ी कितनी गंदी है। आप नीचे उतरिए। कबीर सिंह, आप कोर्ट को बताएं उस रात को आपने क्या देखा। उस रात बता, इतने लंबे पॉज नहीं लेने। उस रात काली घनी रात थी। अच्छा, छन छन की आवाजें आ रही थी। अच्छा, कुत्ते भौंक रहे थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये मेरे को डरा रहा है। और मैं कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्ते भौंकते ही हैं, हाथी भौंकते देखे कभी? ये मेरे को डरा रहा है, और मैं अदालत को बताना चाहता हूँ, मैंने आज डायपर भी नहीं पहना है। ये अपनी अथॉरिटी। ऑर्डर, कबीर सिंह जी, इस बात का कंगना से क्या लेना देना था? लेना देना तो तुम्हारा भी जजमेंट से कोई नहीं है, लेकिन जज बनी हो ना तुम। देखिए, आप कोर्ट की तोहिन कर रहे हैं। This is an open and shut case, my lord. आपने फिल्म बनाई है अश्विनी जी पंगा, जब आप फिल्म बनाएंगी नंगा, इसको लेना। This is open and shut case, my lord. तुम्हारा भी ओपन शट है, my lord. अश्विनी जी, this is my right profile. And this is my left profile. देखिए, अगर आप लोग इस तरीके से अदालत के वक्त जाया करेंगे तो मैं इस केस को अगली तारीख दे दूंगी। बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मिलती है तो सिर्फ तारीख, नहीं मिलता इंसाफ। इंसाफ। इंजेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड होता है, इंजेक्शन नहीं। वो मेरा इंजेक्शन का टाइम है, मेरे चोट लगी हुई है। एक बात बताओ मुझे, ये वैसे ये किस में से शहद निकलता है? मैंने डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाने जाना। मिलोर्ड, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इसका सनी देओल नहीं खत्म हो रहा है। वैसे कंगना जी, डॉक्टर्स के ऊपर मेरा एक इल्जाम है। क्या? आप बताएंगी, वो हमेशा शेम शेम वाली जगह पे इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? इसका जवाब मैं दूंगा। हाँ? इसका जवाब मैं दूंगा। तो बिना चिल्लाए दे दो। चलो चाय लेके आओ मैडम के लिए, चलो। हाँ, मेरे लिए पानी लेके आओ। दिस इज ओपन एंड शट केस, मिलोर्ड। थोड़ा चकना भी लेके आना। तो ठीक है, एक मेरा भी बनाना छोटा सा, मैं भी पीऊंगा, क्योंकि ये मेरी बोतल है। ये रही आपकी दवाई। बस बस, और बस इतना सा। इतना सा। थैंक यू मिलॉर्ड। ये देखो, ये मैंने पैक बनाया, ये लो। मेरे काबिल दोस्त, क्या किया है आपने? मैंने कबीर सिंह देखी है,
वो बर्फ इधर डालता है, मेरे को लगा पिता भी यही से होगा। I think this is open and shut. It's open and shut case. लेकिन हमारा मुद्दा ये था कि आप मीडिया से पंगा क्यों लेती हैं? तो बताइए, मीडिया से पंगा क्यों लेती हैं? मीडिया पंगा देता है तो वो लेती हैं। ऐसे कोई किसी को कुछ देगा नहीं, मैं आपको ये देता ही नहीं, आप कैसे लेंगी? अग्री तो लेन-देन चलता है। This is an open and shut case. जैसे सोनी टीवी को हम ये शो नहीं दे वो कैसे लेंगे? दिस इज जस्ट ओपन एंड शट केस। इस अदालत को यही बर्खास्त किया जाता है और कंगना जी को भाईजत बड़ी किया जाता है। थैंक यू मिलोर्ड, जैसा कि मैंने पहले कहा था, इट्स ओपन एंड शट केस मिलोर्ड। ठीक है तो सेल्फी ले लेते हैं। ये मेरी सेल्फी है। अरे रुक जाओ भाई, सेल्फी है। रुक जाओ रुक जाओ। ओ ये तेरी मम्मी है, ले जा इसको भी। डरा ही जा रहा है। दैट्स ऑल मिलोर्ड। अरे भाई एक बार पंगा की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, चमक है। थैंक यू।